कब्ल इसके कि नोहे का आगाज हो, सबसे पहले मेरा सलाम हो अपनी माँ बहनों पर जो इस बारिश और पानी के मौसम में दुश्वार रास्तों के होने के बावजूद कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है। हाँ, मगर काश ये पानी कर्बला में बरसा होता, काश ये पानी राहे शाम और कूफा में बरस जाता तो मेरे मौला के गर्दन में पड़ा खारदार तौब और पांव की बेड़िया कुछ हद तक के लिए तो ठंडी पड़ जाती। हाय मेरा साबिर इमाम मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा रोना तब आता था जब मेरी बहन सकीना मुझसे मासूमाना सवाल किया करती थी। तसव्वुर करेंगे हजरात, साहिब औलाद का मजमा है। मैं ये रवायत किसी बड़े आलिम दीन की नकल कर रहा हूँ कि एक बार हरम के करीब बीबी सकीना की रस्सियां खोली गई। बीबी सकीना दौड़ के आती है और अपनी बाहें भैया सज्जाद के गले में डाल देती है और बयान करती है कि ए भैया क्या मेरे सिन के बच्चों को भी तमाचे लगाए जाते हैं? ए भैया ये जालिम मुझे यतीमा क्यों बुलाते हैं? ए भैया सज्जाद अब उम्मीद नहीं है कि मैं जी पाऊंगी। बस इसी बहन को शायर डॉक्टर असीर जौनपुरी साहब ने नौहे में नज्म करने की कोशिश की है। नौहा आपके समातों के हवाले अंजुमन हुसैनिया, जिसके साहबे बयाज जनाब नवाज हसन खान साहब आपके समातों के हवाले नौहा पेश करने जा रहे हैं। नौहा समात फरमाएंगे इंशाल्लाह, मसाहिब होंगे बतौर खास जहां जहां तक मेरी सजा से कहती है ये मासूम सकीना, लगता है इसी कद में मर जाऊंगी भैया इस शाम के जिंदान में दम घुटता है मेरा, लगता है इसी कद में मर जाऊंगी भैया। कहती है ये माँ
سماعت فرمائیں حضرات انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائیں گے کہاں سو رہی ہے, ملاحظہ فرمائیں گے بتاؤ رہے خاص ملا خار کا بستر
सैयदा के उनके लाल का पुरसा दे मन बता रहे खास बुला रहा मसरूफ़ नौ मातम है अंजुमन हुसैनिया बलवा घाट। इस अंजुमन के फौरन बाद अंजुमन अज़ाए अहले बैत सिपा नौ मातम के लिए आमादा रहे। देखिए सवा चार पर अजान है और अभी हमारा आपकी अंजुमन के बाद दो अंजुमनें और लगनी है, इसका खास ख्याल रखते हुए नौ मातम करिए। यजीद सरे हुसैन की कैसे बेहरमती कर रहा था बता रहे खास। मेरे दिल में
मसरूफ नवा मातम है अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड बलुआ घाट। इस अंजुमन के बाद अंजुमन अज़ा अहले बैत रजिस्टर्ड सिपाह नवा मातम के लिए आमादा रहे। प्यास का क्या आलम था? लगता है से कैद में मर जाऊंगे भैया। तो बुलाता फरमाए देखिए वक्त हो गया है। अंजुमन हुसैनिया के साहिब व्यास जनाब नवाज हसन खान साहब से गुजारिश है मक्ते का मन बुलंदा फरमाए। देखिए हमारी मजबूरी को समझिए, 4:15 पे अजान है और अभी 2 अंजुमन है, अभी हमें 2 अंजुमन को भी नौहा पढ़ाना है। अगर वो नहीं पढ़ पाएंगे उनको वक्त नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत होगी। दम घुटता है मेरा इस अंजुमन के बाद अंजुमन अज़ा अहले बैत रजिस्टर्ड सिपाह नौहा मातम करेगी। अंजुमन हुसैनिया के दस्ते से गुजारिश है कि मातम करके ख़त्म कर दें। Thank you.
अंजुमन हुसैनिया के सदर व सेक्रेटरी से गुजारिश है कि अपने नवा मातम को मौकूफ करें, हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है, इस बात को आप समझिए। देखिए अभी हमारे पास दो अंजुमने और हैं, इसका ख्याल रखिए। जनाब नवाज हसन खान साहब से गुजारिश है कि इस चीज को देखें। एक बंद पढ़िए, एक बंद, बस एक बंद पढ़िए बस। भाई वक्त का ख्याल रखिए, ये प्रोग्राम आपका है भाई, ये प्रोग्राम आपका है, उठा के खत्म करिए। देखिए इसका खास ख्याल रखिए, उठा के खत्म करिए। आप शहर जौनपुर की नुमाइंदगी करते हैं,